दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संजय सिंह है और मैं हिंदी में जो हमारे मटेरिया मेडिकल की सारी दवाइयां हैं उसको डिस्क्राइब करूंगा या उनका वर्णन करूंगा। पहली दवा जिसके बारे में मैं लेक्चर में बात करूंगा वो है ट्यूबरकुलिनम। किसी भी दवा को प्रिस्क्राइब करने से पहले या उसको समझने में सबसे बड़ा योगदान होता है मानसिक लक्षणों का और जनरलिटीज का, और उसके बाद आते हैं पिक्यूलियर और पर्टिकुलर्स। लेकिन ये दो पिलर्स होते हैं किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का, या किसी भी पेशेंट को समझना हो अगर अच्छी तरह से तो उसके लिए ज़रूरी होता है। ट्यूबरकुलिनम के जनरलिटी सेक्शन को मैं अपने पहले लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा दोस्तों। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बता देता हूं, जिसका डिटेल में डिस्कशन उस लेक्चर में होगा। जैसे लैक ऑफ वाइटल हीट, यानी वाइटल हीट की कमी होना शरीर में। दूसरा पॉइंट, इमेसिएशन, वीकनेस, शरीर पतला होते जाना और कमजोरी। तीसरा है पेशेंट को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। चौथा है पेशेंट को क्या करने से उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं और क्या करने से उसकी तकलीफें कम होती हैं। ट्यूबरकुलिनम का दर्द या पेन कैसा होता है, उसके डिस्चार्ज कैसे होते हैं। ओके, ट्यूबरकुलिनम में किस किस तरह के संश्लेषण होते हैं, मुख्य तरह से कौन कौन से संश्लेषण होते हैं, और इसके सिवा कुछ ऐसे सिम्टम्स जो, जैसे फॉर एग्जांपल, ट्यूबरकुलिनम पेशेंट जनरली ठंडा होता है, बट उसको रात को और खाना खाने के बाद फ्लशेस ऑफ हीट होते हैं, और वो हीट शरीर से शुरू होकर सर की तरफ, ऊपर की तरफ जाते हैं। इस तरह के जो कुछ पिक्यूलियर सिम्टम होगा जनरलिटीज में, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।